अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दादी माँ के बेस्ट टिप्स समय निकाल कर ज़रूर सुने, स्वाद से लेकर सेहत तक बहुत काम आएंगे। नंबर एक, गुलाब जल में विटामिन ई के कैप्सूल मिलाकर चेहरे पर लगाने से चेहरे को ठंडक मिलती है, स्किन की जलन दूर होती है। टिप नंबर टू, पानी में मिलाकर पी लें ये चीज़ें, लटका पेट हो जाएगा अंदर। नींबू का रस पानी में मिलाकर पीने से केवल ताजगी मिलती है, बल्कि ये विटामिन सी का अच्छा स्रोत भी है। ये पाचन में सुधार करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करता है और वज़न घटाने में मदद करता है। अगर आप गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद मिलाकर पीते हैं तो इससे सेहत संबंधी कई समस्याएं दूर हो सकती हैं। जो लोग मोटापा कम करना चाहते हैं उनके लिए शहद किसी जड़ी बूटी से कम नहीं है। वज़न कम करने के अलावा ये शरीर को हाइड्रेट रखता है, पाचन में सुधार करता है और इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। टिप नंबर थ्री, प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेट पर खुजली होती है तो आप नारियल के तेल में कपूर की गोली मिलाकर पेट पर लगाने से खुजली दूर होती है। टिप नंबर चार, अगर गुलाब के फूल की पंखुड़ियों को गुलाब जल में पीसकर होठों पर या फिर गालों पर लगाते हैं तो उससे गुलाबी निखार आता है। तो चलिए जानते हैं टिप नंबर पाँच, दांतों पर कड़ी पत्ते को रगड़ने से दांतों के बैक्टीरिया ख़त्म होते हैं और ये दांतों को स्वस्थ रखने में भी काफ़ी लाभदायक होते हैं। टिप नंबर छः, जिन औरतों को अक्सर कमर दर्द की दिक्कत रहती है उनको भैंस का कच्चा दूध पीना चाहिए। टिप नंबर सात, महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद में सोठ और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू या फिर इससे बना हलवा खाना चाहिए। प्रेगनेंसी में आई कमज़ोरी दूर होती है और शरीर मजबूत होता है। टिप नंबर आठ, पालक की सब्ज़ी का सेवन करने से आँखों की रोशनी तेज़ होती है और दिमाग को ताकत मिलती है, स्किन पर ग्लो आता है। हरी सब्जियां हमारी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद होती हैं। टिप नंबर नौ, हाथों से भोजन करने से आपका संबंध भोजन से जुड़ता है और सकारात्मक विचारों में वृद्धि होती है। टिप नंबर दस, चुकंदर में आयरन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसीलिए अपनी डाइट में चुकंदर का सेवन ज़रूर करें, इससे आपके चेहरे पर भी लालिमा आती है। तो चलिए जानते हैं अपनी टिप नंबर 11 के बारे में, रोज़ाना दिन में 8 गिलास पानी ज़रूर पिएं, ये कब्ज़ को दूर रखता है, इम्यूनिटी और त्वचा के लिए आवश्यक है। टिप नंबर 12, अगर आपको चक्कर आने लगे हैं तो एक छोटी इलायची को पानी के साथ पी लें, इससे आपको काफ़ी जल्दी आराम आ जाएगा। टिप नंबर 13, अगर पेट में गैस ज़्यादा बनती है तो मेथी दाने का इस्तेमाल किया करें, मेथी दाना हमारी हेल्थ के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। टिप नंबर 14, अगर आपको खाना खाने के बाद पेट में भारीपन महसूस होता है तो गुनगुने पानी में नींबू
काला नमक मिलाकर पीने से आपको आराम मिलेगा। टिप नंबर 15, अगर गले की खराश से परेशान हैं तो आप चॉकलेट खा लें। चॉकलेट गले की खराश के लिए काफ़ी लाभदायक होती है। टिप नंबर 16, मुहासों की समस्या को दूर करने के लिए और रोग छिद्रों के आकार को कम करने के लिए फिटकरी के पानी से नहाएं और इससे अपनी त्वचा से भी कसाव आता है। टिप नंबर 17, अंगूर खाने के बाद पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। टिप नंबर 18, सफ़र में जाने से पहले पुदीने का सेवन करें, इससे हाजमा ठीक रहता है और आपका दिल मतली भी नहीं करता है। टिप नंबर 19, आँखों को ज़्यादा मलने से आँखों की रोशनी कम हो जाती है, इसलिए अपनी आँखों को ज़्यादा ना मला करें। टिप नंबर 20, फ्रिज में कटा हुआ नींबू रखने से फ्रिज की बदबू दूर हो जाती है। टिप नंबर 21, अगर आपके बाल मैले हैं तो बाल पर तेल लगाने से बचें, वरना आपके बाल बहुत ज़्यादा जल्दी झड़ने लग जाएंगे। टिप नंबर 22, जो लोग दूध का सेवन नहीं करते हैं उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। दूध में बहुत ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक है, तो दूध का सेवन ज़रूर किया करें। नंबर 23, रात को सोने से पहले आधा चम्मच सूखा धनिया थोड़े से पानी में भिगो दें और सुबह उठकर इस पानी को छानकर पी लें। इससे पीरियड से जुड़ी सारी समस्याएं दूर होती हैं और पेट में कब्ज़ की समस्या भी दूर हो जाती है। टिप नंबर 24, जितना हो सके पैदल चलें, आपका दिल की बीमारियों से बचे रहेंगे और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। टिप नंबर 25, बालों पर अदरक का रस लगाने से बाल झड़ने की समस्या कम हो जाती है और बाल सफ़ेद भी नहीं होंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य कार्य के लिए है, तो आप इसे ज़रूर अपनाएं। अवश्य अपनाएं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी बताई गई जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसी ही जानकारी और टिप्स की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करना, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर आए। और हाँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी बताई गई जानकारी आपको किस तरह से लाभदायक हुई। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी दुआओं में आप लोग हमेशा शामिल हैं। दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। मिलेंगे बहुत जल्द इसी तरह की किसी वीडियो में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे बहुत जल्द।